ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष रविवार सप्तमी तिथि दोपहर 3:40 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बुध देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धार्मिक, यशस्वी, वैभवशाली और बोलने में निपुण होते हैं। ऐसे जातक अध्ययनशील, तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक अभिरुचियों वाले, हास्यप्रिय, हाजिर जवाबी मगर शीघ्र क्रोधित होने वाले होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी, पालतू पशुओं के प्रति प्रेम रखने वाले, मित्रों के सहयोगी और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज के चंद्रमा पर राहु की पंचम दृष्टि जारी है, मगर आज के चंद्रमा का नक्षत्र बुध का होगा। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। आत्मविश्वास का विश्लेषणात्मक पहलू मजबूत रहेगा। भ्रमात्मक स्थिति में कमी आएगी। व्यावसायिक योजनाओं में सहयोग मिलेगा, साथ ही अतिरिक्त कार्यभार बढ़ा रहेगा। इन सब के बावजूद भी मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभव है, सावधानी अपेक्षित है। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार होगा, मगर मानसिक उत्साह में कमी आएगी। मन में नकारात्मक विचारों का उठना स्वाभाविक है। माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव और उसके विकास के प्रति उत्साह और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। मौसम संबंधी समस्याओं के साथ जल्दी पकड़ में ना आने वाली समस्याएं संभावित हैं। हालांकि गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश का योग बनता है। नई कार्य योजनाओं में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और आपकी योजनाएं पूरी होंगी। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। राजकीय मामलों में सहयोग बना रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि से छठ में चल रहे हैं और आपके राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ तीसरे भाव में चल रहे हैं। मानसिक उद्विग्नता के साथ हड्डी संबंधी समस्याएं संभावित हैं और नकारात्मक विचारों को मन में ना लाएं। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्य योजनाओं के विस्तार का मौका मिलेगा। सरकारी कामकाज से भी लाभ संभव है। पारिवारिक माहौल संतोषप्रद रहेगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्रेरणा के स्रोत माने जाएंगे, मगर आत्मविश्वास प्रभावित होगा। हालांकि रुकी हुई या अधूरी योजनाएं पूरी होंगी और सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है। साझेदारी में लाभ संभव है। कार्य क्षेत्र के विस्तार करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और संतान संबंधी बाधाएं खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास पूरे होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ अपेक्षित हैं। सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। प्रयासों में सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर सार्थक पहल आवश्यक है। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और रुके हुए सरकारी कामकाज संपन्न होंगे, मगर पेट संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। निजी निवेश और साझेदारी लाभदायक रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। बुध का अस्त रहना और चंद्रमा का तीसरे भाव में नीच का होना स्वास्थ्य और मानसिक भ्रम के साथ साथ व्यावसायिक मामलों में रुकावट व अड़चन का संकेत देता है। अनावश्यक खर्च भी संभावित है। दैनिक जीवन की क्रियाशीलता में थोड़ा उतार चढ़ाव होने के बाद भी
आज का दिन आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग करेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। मित्र व संबंधियों से सही दिशा निर्देश जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मौसम संबंधी सावधानी बनाए रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए सेहत और आंतरिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, मगर व्यावसायिक योजनाओं के प्रति मन में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इस दौरान अपनी योजनाओं में लिए गए कुछ निर्णय को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी और किसी काम में देरी की संभावना भी बनती है। व्यावसायिक मामलों में नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। रुके हुए या विवादित मामलों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक स्थिरता के साथ धैर्य और संयम की आवश्यकता है। वाणी में उग्रता, कार्य योजनाओं में जल्दबाजी और व्यग्रता संभावित है। किसी भावनात्मक पहलू के निर्णय में कमी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत महसूस होगी। निजी संबंधों और पारिवारिक सलाह की प्रेरणा लेते हुए कार्य योजनाओं को संपन्न करें, सफल रहेंगे। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को अत्यधिक ऊर्जा के साथ जल्दबाजी महसूस होगी। आपका ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा, मगर उग्रता के साथ वाणी में प्रखरता और तेजस्विता परिलक्षित होगी और अनावश्यक उत्तेजना का दौर आता रहेगा। अपने आप को धैर्य और संयम के साथ नियंत्रित करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में रुकावट और गड़बड़ी का अंदेशा भी बनता है, जबकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में लाभ मिलेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और यात्रा के दौरान अनावश्यक खर्च संभावित है। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ में सहायता मिलती रहेगी। बुध और सूर्य के आठवें भाव में होने से क्रियाशीलता, कुछ कामों में रुकावट और आत्मविश्वास में कमी व स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता बनी रहेगी। निजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। अनावश्यक खर्च का योग भी बनता है। हालांकि अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित करते रहेंगे, मगर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आत्मसंयम आवश्यक होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द और निजी संबंधों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता, आत्मविश्वास में कमी और रचनात्मक प्रयासों में बाधाओं का संकेत मिलता है। हालांकि व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने का प्रयास करें। आपकी स्पष्ट सोच और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल लाभदायक माहौल पैदा कर सकता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विवादित योजनाओं में समझौता करना लाभदायक रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। धैर्य और संयम से काम लेते हुए कार्य क्षेत्र में लगे रहें, सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं में सफल शुरुआत संभव है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सहयोग और प्रेरणा जारी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर कुछ कामों में नकारात्मक भावना भी पैदा हो सकती है, जिससे आपकी काम करने की क्षमता प्रभावित होगी। हालांकि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।